ये हमारा आ गया है घंटा घर। अजलान बेटे ये है घंटा घर। अब हम जाएंगे सियालकोट मॉल, वो सामने जो नजर आ रहा है आपको वो उधर। ओ मुबारक है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाद खान, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी मैं जा रहा हूँ अजलान को डॉक्टर के लेके, उसको है ना ठंड सी लग चुकी है जिसकी वजह से उसको एक दो दफ़ा उल्टी हुई है, तो उसको जाके डॉक्टर के चेक करवाते हैं। फिर फिलहाल तो अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, फिर डॉक्टर के जाएँगे, फिर उसके बाद हम जाएँगे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि कज़न की शादी है अगले महीने जनवरी में फर्स्ट मतलब वीक के अंदर। तो मैंने तो अभी कुछ भी नहीं लिया, तो जाके आज मैंने अपने कपड़े लेने, कमीज़ शलवार का इरादा है कि मैं लूँ, तो पहले सबसे पहले कमीज़ शलवार वगैरह जाके देखते हैं कोई अच्छी सी जगह कोई पसंद आ जाए, तो इंशाल्लाह ताला जो भी कुछ करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं, अभी मैं पहले खाना खा लूँ फिर चलते हैं बाज़ार। खाने में है सादा चावल, बकरे का गोश्त बना है साथ चटनी, जैसे आप देसी तरीके से खाना खाएँगे। फिर उसके बाद ये शक्कर वाले चावल। खाना वगैरह मैंने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अब आज जाके बच्चों को पुइयां लगवाते हैं, बच्चे ज़रा सेट हो जाएंगे। रेहम आपको भी लगेगी? नहीं। आप ठीक हो? मैं छोटे भैया को लगवाएंगे। हाँ। ये भाई हमारा ये छोटा मरीज है, ये छोटा मरीज है। अजलान आपको पुई लगेगी, बच्चे की नोजी भी आ रही है। ठंड तो इनको लगनी थी बच्चों को, ना ये कैप वगैरह पहनते ना जैकेट पहनते हैं, कोई चीज़ पहनाओ बच्चों को उतार उतार के फेंक देते हैं, तो अब ठंड लगवा ली इन्होंने, तो अब जाके ज़रा डॉक्टर से ज़रा इनका इलाज करवा दें। आज फिर पुइयां बेटा लगेंगी ना, सेट हो जाओगे। हम नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाओगे? तुम्हारे लगवाते जब लगेगी तो सही चीखेगा मुन्ना, ये देखो ना बैठा हुआ अजलान। अजलान अजलान पुई लगाने जा रहे हो? टेंशन में तो भाई अजलान को ना पुई लग गई है, मेरा मुन्ना रो रहा है, अभी सही हो जाएगा मेरा बेटा, कोई बात नहीं। कहा हुआ है किसने मारा है? आपको भी लगी है? डॉक्टर साहब ने आपको भी लगा दी? मैंने कहा था कि बस इसको सीरप दे देना लिख के, तो डॉक्टर साहब ने आपको पुई भी लगा दी। चलो कोई बात नहीं, आपको उल्टी आ जाती है ना कभी, रोते हो आप। सख्ती से मना किया इसको, वो कैंडीज वगैरह नहीं देनी। सही है, अब चीज नहीं आपने खानी वरना फिर आपको ऐसे इंजेक्शन लगा करेगा। नहीं अब नहीं खानी। सही है, रख दो उठा के बाद में खानी है। डॉक्टर से फारिग हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, शाम होने वाली हो रही है, ये नहीं कि रात को ठंड ज्यादा हो जाए, तो फटाफट जाके एक दो सूट लेते हैं फिर चलते हैं घर। हाई स्पीड खड़ी हुई ये बड़ी प्यारी बाइक ही वाली, माशाल्लाह रोड तो मम्मी डैडी कर दी इन्होंने है। वो रजलान को भी तो देखो भाई कैसे सो रहा है, इंजेक्शन लगवा क्या है। ये हमारा आ गया है घंटा घर। अजलान बेटे ये है घंटा घर। अब हम जाएंगे सियालकोट मॉल, वो सामने जो नज़र आ रहा है आपको वो उधर, उधर से जाके अलकरम वगैरह से देखते हैं कोई सूट समझ में आ गए तो। रेहाब उठ जाओ, रेहाब रेहाब मॉल आ गया, आ जाओ। अरे मेरा बेटा सो गए थे आप, आ जाओ। चलो रेहाब आ गई होश, इसका मुंह धुलवा के लाया हूँ, देखो अब कैसा खुश हो रहा है। वाह भाई वाह, ये तो वॉच की शॉप इधर भी इन्होंने बनाई है, ये सामने मामा लव है। अरे आप गुड़िया देखो कितनी बड़ी लगी हुई है, इधर आओ ये देखो, देखो रिहा किसको देख रही, कितना लंबा कद है, मुझसे भी लंबा कद है इसका, तो इसका तो कद मुझसे भी लंबा है। साया इधर भी आ गया। रिहाब बड़ा मजा आ रहा है आपको तो, वहाँ पे रिहाब से बड़ी तेज चल रही है आज, इसको क्या हो गया, चक्कर तो नहीं आ रही? ये आइडियाज पे पहले देखते हैं। रिहाब इधर जाना है, इधर काफ़ी वैरायटी लगी हुई इनके पास, 40% ऑफ है ये हमने निकलवाया, वाइट कलर का जो बगैर माया के होता है ना। अभी तो लाइट जगमगा रही है, पता नहीं चलेगा आप लोगों को, मैं एक अब की दफ़ा वाइट भी बना के देखते हैं सूट, वाइट नहीं है मेरे पास। अजलान अजलान आप सही भी हो गए? ये अजलान वाह
जहाँ आप कहाँ छुप गए? मुझे को भाई कहाँ भाग रहे? ये लाइट की वजह से झिलमिला रही है लाइट, है ना? ये वैसे क्रीम कलर है वाइट सलवार के साथ, ये भी अच्छा लग रहा है। शुक्र है कि मुझे सूट पसंद आ चुके हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगा नहीं आपको, जब फंक्शन पे पहनूंगा ना इंशाल्लाह फिर आप देखना, मैं जरा बिल वगैरह करवा लूँ। बिल हो रहा है हमारा। लो भाई फाइनली हमने शॉपिंग कर ली है, अब मैं वेस्टकोट वगैरह देखता हूँ अपनी, अगर वो मुझे अच्छी लगी पसंद आ गई तो फिर इंशाल्लाह वो ले लेंगे, वरना फिर सवारी करनी पड़ेगी, क्या करें। ये देखें पाकिस्तान का कल्चर कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें ट्रक बने हुए इतने ज़बरदस्त। जहाँ नहीं बेटे छोड़ दो, उधर रख दो टूट जाएंगे। देखो ढोल कितना प्यारा है, देखो चप्पल, ये देखो चप्पल, ये बलोची चप्पल लग रही है। ना रिहाब कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यार, ये देखो जी जी जी, ये रिक्शा देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, रक्शे बस है ट्रक पता नहीं क्या क्या खड़ा हुआ है, सब हैंडमेड है। ये क्या, ये क्या लिखा हुआ है? नहीं तो एब्सोल्युटली नॉट लिखा हुआ है, ये ना बलूचिस्तान की है सखाफत, माशा कितनी प्यारी ज्वेलरी लगी हुई है। इधर भी ट्रक खड़ा हुआ है, ये अंगूठियाँ वगैरह रखी हुई हैं, ये देखें कितने प्यारे छल्ले बने हुए, लेडीज हैं ये। फाइनल कितने का बता रहे? 300। सही दे रहे। कहाँ जा रहे हो इतनी स्पीड से आप? ये 6 फ्लोर पे आ गए हम, 8 पे नहीं 6 पे। ठीक ठाक आप सुनाओ, ठीक हो? बस वैसे ही चक्कर नहीं लगता। सिनीपैक्स आ गए हम 8 फ्लोर पे, अब हम जाएंगे नीचे बेसमेंट में। अजलान बेटा चुप हो जाओ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अरे हाँ बड़ा मजा आ रहा है आपको, ये डर रहा है ये। चलो चलो बेटे, नहीं टाइम खत्म होता, वेस्टकोट तो अभी मिलेगी नहीं, ढूंढनी पड़ेगी, फिर आ जाएंगे अपन, सही है? अब चलते हैं अपन घर चलते हैं, सही है? मॉल से हम निकल गए, शॉपिंग हमने कर ली है, 2 सूट मैंने लेने थे मैंने ले लिए, वो इंशाल्लाह मैं आपको जब शादी होगी तैयार होंगे तब दिखाएंगे आपको कौन सा कलर लिया था और कैसा लग रहा है, आपने कमेंट करना है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं घर, बच्चों ने तंग किया हुआ है, बच्चे ठीक नहीं है ना, इसकी वजह से जाना पड़ रहा है, वरना हमने वेस्टकोट भी ढूंढ लेनी थी। इरादा हमारा फिर चेंज हो गया, हमने कहा इतनी दूर आए हैं, चलो एक दफ़ा चलते चलते देख ही लेते हैं। मुझे घोड़े जा रहे हैं, आप देखो कितने प्यारे हॉर्स जा रहे हैं, और क्या वो जा रहे हैं, हम नजर आ रहे नहीं जा रहे। हमारा जहन चेंज हो चुका है, हमने कहा नहीं अब इतनी दूर आए हुए तो वेस्ट वगैरह ना जरा ढूंढ ही लें तो मिल ही जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के करम से, है ना रब्बू? देख के ही चलते हैं घर जाके, आपने क्या करना है। या हम बोनांजा सतरंगी पे इधर पता करते हैं, नहीं मिली, अब हम जा रहे हैं और कहीं देखते हैं, कितने काफ़ी सारे ब्रांड हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं देखते हैं, वरना फिर सिलवा लेंगे, खुद स्टिच करवा लेंगे, वो सस्ती पड़ जाएगी, फिर सस्ती महंगी की फिलहाल बात नहीं है, इस टाइम है ना मिल ही नहीं रही, है ही नहीं किसी के पास। क्या चमक धमक लगी पड़ी है, मुझे ना असल में मैं थोड़ा आपको समझा दूं, मुझे ऐसे फैंसी वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल ढूंढ रहा हूँ मैं। ये हम आए हुए वी मॉल की तरफ, हमने ये काफ़ी ब्रांड देख लिए, देखें ये सारे ब्रांड देख लिए, वेस्टकोट वगैरह तो हैं लेकिन किसी की सिलाई अच्छी नहीं है, कोई फिटिंग अच्छी नहीं है, कोई कलर अच्छा नहीं है, रफड़ ही है, मैं बाद में चेक कर लूँगा, मैं ज़रा वैसे इंजॉय करने के लिए निकला हूँ, मैं ज़रा आपको दिखाते हैं नज़ारे। अजलान बेटे का बात हो गई, घर चले, मेरे बेटे बोर होने लग गए, कह रहे बाबा घर जाना है,
बड़े को भी भूख लग रही है, आप पिज्जा खाओगे? तो ले लेते पिज्जा। अजान भी पिज्जा खा लेगा। अजान खा लोगे पिज्जा? खा लेगा। कितना मासूम लग रहा है मेरा मुन्ना, घूमने आया है। और टाइम अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ अभी 6 बजे शाम के, और अंधेरा खूब हुआ है बाहर, ऐसा लग रहा है पता नहीं 10-11 बजे रहे। सर्दियों में बहुत जल्दी रात हो जाती है सियालकोट के अंदर ना, तो ये सामने सिम्बा मिल रहा होगा आपको। यार सिम्बा जाओगे? डर पोगे आप तो जाते ही नहीं हो। मेरा बेटा मैं इतना नहीं जाता सिम्बा, सिम्बा तो चले जाते हैं छोटे बच्चों के झूलों में, डरता है। आप बेटे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, अभी पिज्जा लेते हैं सही है? चलो मैं आपको पिज्जा दिलवाता हूँ, अभी पिज्जा कॉटेज चलते हैं, उधर से लेते हैं जाके, सही है? अभी सही हो जाएगा। रिहाब का भाई ऑर्डर हो चुका है, हम इधर आए सामने ये कॉटेज पे। रिहाब को बहुत भूख लग रही है, हम तो खाना खा के आए थे, रब्बू ने नहीं खाया था पिज्जा ही तो आ रहा है, और क्या आ रहा है? चिकन कढ़ाई चिकन टिक्का फ्लेवर, तो आप वो उसमें मिर्चें भी नहीं होती ना ज़्यादा, तो आप वही खा लेते हो, आपको भूख ज़्यादा लग रही थी ना, अभी आ जाता है सही है? आ गया आपका पिज्जा, थैंक यू भाई, ये लो लाओ आपका पिज्जा, तो दिखाऊं मैं आप, ये आ गया आपका पिज्जा, और ये आ गया रब्बू का पिज्जा। ओ वाह प्लेट कितना मजे का लग रहा है, चलो अब खाओ। जी रिहाब जी मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है। वाह भाई वाह, रब्बू का मैंने पिज्जा लिया था, उसको भूख लग रही थी। चल चल के अब हम जा रहे हैं घर, बहुत टाइम हो गया, जाके अच्छी सी चाय पीते हैं, सही है ना रब्बू? आप भी पीना रिहाबो, खा लिया पिज्जा, खत्म हो गया, चलो सही है, अब घर जाके हैंड वॉश कर लेना ठीक है। लो भैया हम आ गए जी, मेरा मोबाइल रख दो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक, तुम सुनाओ की लेके आ गए हो? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बड़ी मुबारक होए तुहानू शादी दी। खैर मुबारक, ते माशाल्लाह कार्ड ते बड़ा सोहना बनवाया है, खोल के ते वेख लो। खोलो हाँ, जबरदस्त यार प्यारा बनाया, अंदर ही दावत है। हाँ ऐसे सही है, चलो देखते हैं आज व्लॉग। आप सही टाइम पे आए, आज है ना मैंने व्लॉग भी वही वाला बनाया है, हम शॉपिंग वगैरह करने गए शादी की, मैंने कहा कजन की शादी है और शॉपिंग वगैरह कर लें, तो माशाल्लाह देखो भाई कार्ड भी आ चुका है, जबरदस्त, थैंक यू शनी भाई। वेलकम भाई, ये शही कार्ड देने के लिए आया, मुझे इसके भाई की शादी है, मैंने आपको पहले बताया था कजन की शादी है अगले महीने, तो माशाल्लाह कार्ड आ चुका है, तो अब जरा जो तैयारी वगैरह जो थोड़ी बहुत रह गई वो भी हम कर लेते हैं टाइम से, फिर तैयारी वगैरह करते हैं, फिर कराची भी घूमने जाना है, मजा आएगा, पूरा एंजॉय करेंगे, क्यों भाई बाबा जी? फुल एंजॉय होएगा ना, एंजॉय होएगा, तैयारियां पढ़ो बस अपने। चलो बाबा जी, आपको मैं एक इतनी मजे की चीज दिखाने के लिए जा रहा हूँ ना, वो ये है कि ईसाइयों का जो है क्रिसमस आता है ना 25 तारीख को, तो उसके लिए ये ना तैयारी वगैरह कर रहे हैं, ये ना जैसे हमारे मस्जिद के अंदर चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, इस तरह ये ना अपने गीत गा के ना चंदा इकट्ठा करते हैं, तो बाहर हमारे यहाँ पे चर्च है, तो मैं चारों लड़के वहाँ पे खड़े हुए ये गीत बो रहे हैं, तो आपको मैं जरा गीत सुनाता हूँ, आओ मेरे साथ। शुक्रगुजारी करते हैं और इस घराना के लिए खुदावंद तेरा खादिम यीशु मसीह नासरी के नाम में बरकत को चाहता है, खुदावंद माली रूहानी इनको बरकत दीजिए, और आने वाला दिन खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह का पदाइश का दिन को खुदावंद तेरे लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने वाले बने, खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर अपने लोगों को बरकत देना और खुदावंद ने प्रोस्फुल करना और हर तरह से खुदावंद महफूज करना, ताकि यहोवा की खूबियां यहोवा का किरदार इनकी जिंदगियों से नुमाया हो, छूए पाक कीजिए ब्लेस कीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ मुबारक है किसी
यीशु मसीह नासरी के नाम में इस घराना के लिए खुदावंत तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इनके लिए बरकत को चाहते हैं, सेहत तंदुरुस्ती और कुवत अवनाई और उम्र दराजी की दुआ करते हैं। और ऐ बाप, हम दुआ करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी का बर्थडे खुदावंत अच्छे तरीके से तेरे लोग सेलिब्रेट कर सके, ये क्रिसमस की खुदावंत ढेरों खुशियां अपने लोगों को अता करना, ताकि खुदावंत तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे ही नाम को जला देने माली रूहानी बरकतों से शेयर करना, ताकि यहोवा की खूबियां और यहोवा का किरदार इनकी जिंदगी से नमाया हो। आसमानी बाप, अपने लोगों को सुना, ब्लेस करना और इन्हें बरकत देना यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। ये इनका चर्च है, ये रहा, ये हमारी गली में ही है, ये लाइटें वगैरह लग गई हैं, ये मेन गेट है इनका। ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलता है आपको फिर अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।